पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राजनीति परिस्थितियों की गुलाम होती है, कब आपका सस्ता शेयर भी बड़ा मुनाफा देकर जाए इसकी भनक पॉलिटिकल पंडितों को भी नहीं होती। लोकसभा चुनाव के मतदान तक जिस नीतीश कुमार को लोग चुका हुआ मान रहे थे, उन्होंने बाजी पलटती है। राजनीतिक हालात ऐसे बने हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर अगले 5 साल के लिए प्रासंगिक हो गए हैं। 2 महीने पहले तक इस बात की चर्चा हर तरफ थी कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कंटिन्यू करेगी, और अब वर्तमान राजनीतिक ऐसी हो गई है कि वर्तमान राजनीतिक समीकरण ने अब इसका जवाब दे दिया है। चुनाव परिणाम ने बीजेपी को उलझा दिया है। बीजेपी के लिए केंद्र की राजनीति बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की मजबूती के लिए नीतीश कुमार के 12 सांसद बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा को अब इसके बदले में बिहार में अपनी मुख्यमंत्री की इच्छा को कुर्बानी देनी होगी। अगर नीतीश कुमार को बिहार में डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई तो नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में खेला कर सकते हैं। पहले नीतीश कुमार के पास 16 सांसद थे, लेकिन उनकी ताकत को वो नहीं थी जो अब उनके 12 सांसदों की हो गई है। इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को बिहार की राजनीति में 2009 से 10 के हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से बिहार बीजेपी की कवायद एक बार फिर से खतरे में होगी। नीतीश कुमार का दबाव फिर से बीजेपी पर बहुत अधिक बढ़ सकता है। बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। चिराग पासवान के सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन चिराग पासवान के साथ खेल टिकट बंटवारे के समय में ही हो गया। चाचा पशुपति पारस से हिसाब किताब करने के चक्कर में चिराग ने नीतीश कुमार के करीबियों को टिकट दे दिया। नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी की बेटी शाम्भवी चौधरी को समस्तीपुर से मैदान में उतारा गया। समस्तीपुर की बगल की ही सीट से जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया। खगड़िया से भागलपुर के उद्योगपति राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। चिराग ने 5 में से 3 सांसद नीतीश कुमार के करीबी ही है। चिराग पासवान अगर 2020 वाला कोई खेल आगे करने की इच्छा भी रखते होंगे तो उन्हें पार्टी में भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। खासकर अशोक चौधरी की बेटी शाम्भवी चौधरी को नजरअंदाज करना चिराग के लिए बेहद मुश्किल होगा। बिहार और दिल्ली की मीडिया में तेजस्वी की लोकप्रियता की भी काफी चर्चा थी। चर्चा का प्रमुख कारण 2020 के चुनाव में राजद की अच्छी सफलता थी, लेकिन अब जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। 16 सीटें मिली थी, 16 सीटें जेडीयू के खेमे में गई थी, जिसमें से 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है। 4 ऐसी सीट है जहां से जेडीयू की हार हुई है। नीतीश कुमार फिलहाल अभी दिल्ली में है। नीतीश कुमार जैसे ही बिहार पहुंचेंगे 4 सीट पर हार क्यों हुई है इसकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो साथ ही साथ जो पार्टी के विरोधी हैं, जो पार्टी के लाइन से खिलाफ जाकर काम किए हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। 4 सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो समीक्षा करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो अभी राजनीति में किंग मेकर की भूमिका है। नीतीश कुमार चाहे तो केंद्र में खेला कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन अब नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ बिहार में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।